करनाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक भारती अरोड़ा आज इंद्री कैथल रोड स्थित जैन आराधना मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जैन समाज के लोग गरीब व जरूरतमंदों की मदद कर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर द्वारा प्रतिदिन पीयूष मुनि महाराज के नेतृत्व में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, जो बेहद ही सराहनीय कदम है। आज पुलिस महानिरीक्षक ने विशेष तौर पर श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में शिरकत की। वहीं इससे पूर्व सभी दर्शनों एवं परंपराओं का विशेष ज्ञान रखने वाले प्रभावी प्रेरक उप प्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर से 3,500 लोगों के दो समय के भोजन को लेकर स्वयं सेवकों तथा गाड़ियों को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति का सम्मान न रखते हुए तिरस्कार तथा अपमान पूर्वक जो सहयोग केशकाल का विचार किए बिना कुपात्र को दिया जाता है, वह तामसिक दान है। सहयोग थोड़ा सा या अधिक कितना भी क्यों ना किया जाए, परंतु वह श्रद्धा और भावना पूर्वक किया जाने पर ही सफलतापूर्व होता है। वहीं इस अवसर पर उपमंडलाधीश सुमित सिहाग, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, डीएसपी राजीव कुमार, हरियाणा कांग्रेस पंचायती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कौर ने मंदिर की सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। माननीय गुरुजी पीयूष मुनि जी महाराज, एसडीएम साहब, कुलदीप शर्मा जी, डीएसपी साहब, यहाँ पे सभी सेवा करने वाले विशिष्ट नागरिक जो करनाल के हैं और बहुत बहुत सब मिल के सेवा कर रहे हैं, और हमारे प्यारे मीडिया के सभी साथियों, आज इस मुश्किल घड़ी में जब पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस घड़ी में जो प्रशासन की और पुलिस की मदद के लिए अपने आप आगे आ रहे हैं, जिनके हाथ उठे हैं, और वो ऐसे लोगों को जो इस वक्त बेसहारा हो गए हैं या फाइनेंशियली बहुत लॉस में चले गए हैं, जिनको आर्थिक बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए आज हमारा पूरा जैन समाज आगे आया हुआ है। और पीयूष मुनि जी महाराज के नेतृत्व में इस मंदिर के परिकर में पूरे मंदिर का परिकर और सभी मिलके एक गांव जहां पे 800 फैमिलीज हैं, उनके पूरे परिवार को प्लस जो बहुत सारे लेबर्स राजस्थान से आए हुए हैं, उनको भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दोनों टाइम उनको स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खिला रहे हैं, भिजवा रहे हैं। रोज़ इनकी यहीं पे खाना परिसर में बनता है और इन गाड़ियों के द्वारा उन तक पहुंचाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा इनका काम है पूरे समाज के लिए, पूरे प्रशासन के लिए, देश के लिए जो ये सेवा कर रहे हैं, ये सभी को अनुकरण करना चाहिए इसका। और हम सब इनके लिए बहुत बधाई देते हैं, बधाई के पात्र हैं जो ऐसे वक्त में आगे आके और समाज का इस तरीके से प्रेम भाव से सेवा करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके हृदय में प्रेम है और हर जीव को जिनकी ये सेवा कर रहे हैं उसमें भगवान का स्वरूप देख के इस दृष्टि से उनका प्रेम भाव से उनके लिए सेवा कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर एहसान दिखाने की बात नहीं है, जो प्रेम और जिस भावना से ये कर रहे हैं सेवा, वो सबसे ज़्यादा देखने लायक बात है। हम तो हरियाणा पुलिस का कैंपेन चल रहा है, कैंपेन हरजीत सिंह पंजाब पुलिस के जो जवान है उसको भी इन्होंने साथ में जोड़े, इसको किस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा इस कैंपेन के बारे में बता दीजिए। मैं भी हरजीत नाम से कैंपेन हम स्टार्ट किया है पंजाब पुलिस ने, हम पूरा पूरा उसका सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे रेंज के सभी पुलिस ऑफिसर्स ने ये टैग लगाया हुआ है, हरजीत सिंह का नाम अपने नेम प्लेट के ऊपर लगाया, ये सपोर्ट करने के लिए कि जो हरजीत सिंह ने जो बहादुरी दिखाई है, उन्होंने पंजाब पुलिस के लिए जो करके दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, जिस धैर्य से इस पूरे प्रकरण को उन्होंने संभाला है, जो बहादुरी उन्होंने दिखाई है, उनको हम सभी सैल्यूट करते हैं, और इसीलिए आज हम उनके नाम की नेम प्लेट लगा के सभी लोग घूम रहे हैं। मैं एक प्रवासी मजदूर भाई रुके हुए थे, तो उनको भेज दिया गया अपने अपने गंतव्य स्थानों पर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। यहाँ प्रवासी मजदूर जो हमारे भाई रुके हुए थे, उनका जैसे प्रशासन ने, सरकार ने निर्णय लिया, तो उनको अपने मसला दिखा के और सुरक्षित डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए उनको अपने जगह पर भेजा। गांव में जिस तरह से रिलैक्सेशन दिया गया था गांव के लोगों को, फिर भी अभी तक जो दुकानें बंद है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग इस बारे में जागरूक जरूर है कि चाहे सरकार ने रिलैक्सेशन दे दे, लेकिन हमें सरकार का समर्थन करना है लॉकडाउन को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? समझदारी देखिए इसी में है कि हर व्यक्ति का लड़ाई है, जब तक हम सब मिलके एक एक व्यक्ति मिलके सामने ना आके काम करेगा तब तक ये लड़ाई जीत नहीं जाएगी। तो ये समझदारी तो इसी में है कि जितनी जरूरत हो केवल उसी में हम सब सिमट के रहें, और फिजूल में बाहर ना निकले, फिजूल के खर्चा बात करने की जरूरत नहीं है।
मैम विदेश के अंदर कुछ बच्चे रुके हुए हैं जो फंस गए हैं लॉकडाउन के दौरान, लोग भी फंस गए हैं, जिला प्रशासन की तरफ से भी प्रेस नोट जारी हुआ कि उन्हें बुलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से ये संभव हुआ? यह मांगा गया है कि जो भी ऐसे हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं फिलहाल हम पब्लिक से कि ऐसे कौन से कितने लोग हैं जिनके बच्चे बाहर फंसे हुए हैं, ताकि उनका फिर नेसेसरी अरेंजमेंट किया जाए उनको वापस बुलाने का, प्रक्रिया शुरू की जाए। माननीय गुरु जी पीयूष मुनि जी, माननीय IG महोदय श्रीमती भारती अरोड़ा जी, श्रीमान कुलदीप शर्मा जी, DSP राजीव जी और अन्य सभी जो जितने भी इस प्रांगण में मौजूद हैं सभी भक्तजन, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आत्मनोर जैन मंदिर का, जो बहुत ही अच्छी सेवा इस कठिन समय में कर रहे हैं। मानवता के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको हम सब मिल करके लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत से ज़रूरतमंद परिवार हैं जिनको किसी न किसी तरीके की ज़रूरत है, चाहे वो खाने की, राशन की, किसी भी प्रकार की। तो ऐसे में आपका बहुत सहयोग हमारे ज़िले के लिए, हमारे उपमंडल के लिए मिल रहा है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। समादरणीय पीयूष मुनि जी महाराज, IG रेंज भारतीय अरोड़ा जी, SDM साहब, DSP साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित करनाल शहर के जनमान्य पुलिसकर्मी, आत्म मनोहर मुनि जी महाराज की विशेष प्रेरणा से और आदरणीय श्री पीयूष मुनि जी महाराज के निर्देशन में जैन संस्थाएं जो करनाल की हैं, वो देश की संकट की घड़ी में जब सब लोग COVID-19 से जूझ रहा है देश, तो ये संस्था सामने आई और जन सेवा की भावना के साथ जिन लोगों को भोजन नहीं मिलता है उन तक भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया रोज की दोनों समय का, ये अपने आप में विशेष योगदान है सरकार के साथ का। करना ही आपका सर्वश्रेष्ठ कृत्य माना जाएगा। भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात कहते हैं, दातव्यम इति यद् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। इसका हिंदी में अनुवाद अर्थ आपको बताना चाहूंगा कि जो दान किसी अनुपकारी को, यानी जिसने आज तक आपका कभी कोई भला नहीं किया, ना वर्तमान में आपका कुछ कर रहा है और भविष्य में भी जिससे आपको कुछ फायदा मिलने की कोई आशा कोई उम्मीद नहीं है, जो दान सहयोग सिर्फ कर्तव्य समझकर किसी के सहयोग के लिए सहयोग इस भावना से प्रेरित होकर दिया जाता है और साथ में देश काल और पात्र यानी क्षेत्र एरिया समय परिस्थितियां कैसी हैं, हालात कैसे हैं और जिसको दिया जा रहा है वह पात्र भी है, ऐसी सब बातों का विचार करके जो किसी की मदद और सहायता की जाती है उसे सात्विक दान और सात्विक सहयोग कहा जाता है। तो ऐसी घड़ी में आप सभी लोग सभी क्षुद्रताओं और संकुचितताओं से ऊपर उठकर मानव मात्र में उस परम पिता का दर्शन करते हुए जहां तक संभव हो सके सभी का सहयोग करने और उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें। आज इस अवसर पर विशेष रूप से प्रभु भक्त और भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशेष रूप से आस्थावान करनाल रेंज की IG श्रीमती भारती अरोड़ा जी, सीनियर IPS अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर उपस्थित हुई हैं और इस सोसाइटी को जो गांव में सेवा का अवसर मिला है उसे चिन्हित करने वाले और इस पुण्य कार्य में उन्हें सहयोग देने वाले SDM इंद्री श्री सुमित सिहाग जी, सीनियर HCS ऑफिसर भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन दोनों प्रशासनिक अधिकारियों का करनाल में सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण और अतुल्य योगदान और सहयोग है, जिसके लिए मैं समस्त साधु समाज की ओर से भी इन्हें हार्दिक और मंगलमय आशीर्वाद देते हुए इनके लिए उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। आज हमारे परम सहयोगी और लगभग पिछले 15-20 वर्षों से मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए पूर्व विधानसभा स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री कुलदीप शर्मा जी भी यहां पर उपस्थित हुए हैं और कुलदीप शर्मा जी ने सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री जी के सानिध्य में कन्या भ्रूण हत्या निषेध का एक कार्यक्रम OPS विद्या मंदिर में आज से लगभग 15-16 वर्ष पूर्व आयोजित करवाया था, जिसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
विजेंदर जैन जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा जी भी उपस्थित हुए थे और भ्रूण हत्या निषेध करके किस तरह कन्याओं की रक्षा करना संभव हो सकता है, सर्वप्रथम उस मुहिम का आगाज उस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया था। तो आज इन सभी विशिष्ट अतिथिगणों के यहाँ पर इस अवसर पर उपस्थित होने से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है और मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी तरह सेवा कार्यों में संलग्न रहें। ओम शांति, ओम शांति। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.